अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल पे। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से। और जो है वो अभी ये सुबह का टाइम है, ईद का पहला दिन है और सुबह का टाइम है, मतलब सुबह का टाइम के लिए 10 बज रहे हैं तकरीबन। और नाश्ते वगैरह से सब फारिग होके तो मैं बस रूम में कुछ सेटिंग्स करनी थी वो कर रही हूँ, और साथ कुछ टेस्टिंग करनी थी वो भी मैंने जो है वो साथ साथ स्टार्ट करी हुई है। और बस अभी थोड़ी देर में जो है वो फिर गोश्त जो है वो खेलना पड़ेगा, जैसे आप सब करते हैं उसी तरीके से हमें भी जो है वो काम करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैंने कहा कि कुछ सेटिंग जो है वो कर ली जाए, क्योंकि उसके बाद बिल्कुल किचन में ही खड़ा रहना है और बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कुछ यहाँ पे कर रही हूँ डस्टिंग चीज़ों की। और जो है अभी मैं बनाने जा रही हूँ एक स्वीट डिश, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही ज़बरदस्त और कम इंग्रेडिएंट्स में, कम बजट में आप एक परफेक्ट सी स्वीट डिश ईद पे कैसे बना सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं बना रही हूँ मैंगो ट्राइफल डिलाइट। एक तो मैंगो डिलाइट होता है, मैं मैंगो ट्राइफल डिलाइट बना रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम बजट में आप एक परफेक्ट सी स्वीट डिश अपने घर पे ईद पे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गई है मेरी टेस्टिंग कम्प्लीट और बाकी सब चीज़ें भी मैंने सेट कर ली हैं। और अपने रूम में मैंने कौन सी बेडशीट बिछाई है, किस तरीके की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो बाद में। लेकिन आज के व्लॉग में, आज की वीडियो में आपके साथ मुझे एक स्वीट डिश जो है उसकी रेसिपी शेयर करनी है, तो वो हम करते हैं। अब चलते हैं किचन में और यहाँ से काम हो गया है कम्प्लीट, किचन में चलते हैं और फिर वहाँ मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं आज क्या बना रही हूँ मीठे में। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं किचन में और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो ट्राइफल डिलाइट। उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लिए हैं 2 मैंगोज़, 1 कैंडी बिस्किट का हाफ रोल है। आप कोई दूसरा बिस्किट, मैरी या चॉकलेट चिप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैंडी का फ्लेवर और टेस्ट मुझे खुद भी बहुत पसंद है और इस ट्राइफल में ये बेस्ट रहेगा, तो आप भी कैंडी यूज़ करिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये दूध मैंने कप में इसलिए लिया है, तकरीबन 1/4 कप दूध है, क्योंकि इसमें मुझे कस्टर्ड पाउडर जो है वो इसको डिसॉल्व करना है। और यहाँ मेरे पास 1/2 लीटर के करीब सॉसपैन में दूध है और ये है चीनी। हम एक बड़ा डिश जो है वो बना रहे हैं और इन सब चीज़ों से एक नॉर्मल जो डिश होता है, प्याला या बाउल आप कह लें, 4 से 5 सर्विंग्स के लिए इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। दूध को सबसे पहले हम करेंगे बॉयल। दूध को हमारे बॉयल आने वाला है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूँगी चीनी। चीनी मैंने डाली है तकरीबन इसमें 4 बड़े चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और चीनी डाल के मैं इसको थोड़ा सा स्टिर करूँगी ताकि चीनी हमारी इस गर्म दूध में डिज़ोल्व हो जाए। और जो दूध मैंने कप में आपको दिखाया था उसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो वनीला कस्टर्ड के जो है वो शामिल करके उसको अच्छा से डिज़ोल्व कर लिया है और वो मैं इसके अंदर डालूँगी। और एक थिक सा हम कस्टर्ड का जो है वो बैटर वो बना लेंगे। सब मैं इसके अंदर डालती हूँ। वनीला कस्टर्ड इसलिए लिया है ताकि इसका कलर अच्छा आता है, आप भी वनीला कस्टर्ड ही यूज़ कीजिएगा इसमें, तो इससे क्या होगा कि बड़ा अच्छा सा हमारा कस्टर्ड का कलर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दिया। और जितनी हमने इसकी थिक कंसिस्टेंसी रखनी है कस्टर्ड की उतनी हम रखेंगे। ये देखें, इतना प्यारा सा एक येलोइश सा कलर हमारे कस्टर्ड में आ गया है और ये थिक भी फौरन से ही होना शुरू हो गया है। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको बस पकाऊंगी और फिर इसको ठंडा करते हैं। और कैंडी बिस्किट को क्या करना है, हमने कैंडी बिस्किट को हमने अच्छा सा कर लेना है क्रश्ड। या तो आप चाहें तो बिल्कुल इसका पाउडर फॉर्म बना लें, या फिर आप उसको जो है वो थोड़े मोटे मोटे पीस रहने दें, थोड़ा सा उसको बिल्कुल आप चूरा कर लें। ठीक है, और मैंगोज़ को भी हमने पील ऑफ करके उसकी क्यूब्स में कटिंग करनी है। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा होगा हम ये सब काम कर लेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। कस्टर्ड हमारा अच्छा सा ठंडा हो गया है, मैंगो के चंक्स भी मैंने काट लिए हैं, बना लिए हैं। और उसके साथ ही कैंडी बिस्किट जो था उसको मैंने चॉपर में डाल के बिल्कुल उसको पाउडर भी बना लिया है और हल्के हल्के से इसमें बड़े पीसेस भी है। अब मैंने ले लिया है यहाँ एक बाउल। इस बाउल में सबसे पहले मैं नीचे कैंडी बिस्किट जो है वो डालूँगी। ठीक है, कैंडी बिस्किट डाल दिया और इसके सेंटर में मैं डालूंगी मैंगो के चंक्स। उसके लिए मुझे एक स्पून चाहिए। कुछ पीसेस बड़े रखे हैं मैंने मैंगो में और कुछ बिल्कुल छोटे रखे हैं, इस तरीके से ये डाल दी मैंने। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना ये कस्टर्ड। इसको इस तरफ ले आते हैं, कस्टर्ड डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से
और इसको आपने तब खाना है जब ये बिल्कुल टोटली चिल्ड हो जाएगा, ठंडा आप इसको करें 4-5 घंटे, आप इसको फ्रिज में रखें और फिर उसके बाद आप इसको इंजॉय करें, तो आप देखिएगा इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। एक लेयर मैं इसकी डबल लेयरिंग कर रही हूँ, एक दफ़ा लगाऊंगी कस्टर्ड डालूंगी, फिर उसके बाद दोबारा से मैं डालूंगी, ठीक है। डाल दिया, दोबारा से डालूंगी मैं कैंडी बिस्किट, कॉर्नर्स पे इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ कि इसके साइड से भी हम जब देखेंगे इस बाउल को अपने, तो एक खूबसूरत सा लुक आएगा हमारे बाउल पर और इसकी असेंबलिंग, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत लगेगी, ठीक है। इसके ऊपर हम दोबारा से डाल देंगे अपने ये मैंगो के चंक्स, चाहे तो सेंटर में डाल दें, चाहे तो आप ऊपर डाल दें। इस तरीके से मैंने ये डाल दिए, अब दोबारा से पोरिंग करेंगे हम अपने कस्टर्ड की। 2 से 3 दफ़ा ये मेथड दोहराने से क्या होगा, रिपीट करने से, कि आपके जब भी आप एक बाइट लेंगे तो उसमें आपको कैंडी बिस्किट का फ्लेवर भी आएगा, उसके साथ आपको मैंगो के चंक्स भी मुंह में आएंगे और उसके साथ जो है वो आपको एक कस्टर्ड का भी एक रिच सा स्मूथ सा फ्लेवर आपको ट्राइफल में आएगा। और आप जो दूसरे ट्राइफल वगैरह भी होते हैं उसमें क्रीम वगैरह की असेंबलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा सा हैवी बजट हो जाता है। ये आपको लो बजट में एक बेहतरीन सा स्वीट डिश जो है वो ईद के मुनासबत से परफेक्ट तरीके से आपको इंजॉय कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ऐसे किया, अब मैं एक दोबारा से और लेयर लगा दूंगी बस बिस्किट की, फिर दोबारा से डालेंगे हम अपने मैंगोज, और लास्ट में हम ये सारा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे। सारा कस्टर्ड मैं इसके ऊपर डालती हूँ, उसके बाद दोबारा से डालूंगी बिस्किट और उसके बाद मैंगोज, फिर आपको दिखाऊंगी। दोबारा से एक लेयरिंग मैंने कस्टर्ड की करके एंड में जो बिस्किट रिमेनिंग था वो मैंने साइड्स पे लगा के उसके अंदर बीच में सेंटर में मैंगो के चंक्स लगा दिए हैं, जिससे बहुत ही खूबसूरत सा देखें हमारा ये मैंगो ट्राइफल डिलाइट जो है वो तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, लेकिन इसका फ्लेवर आप जब इसको चिल्ड करके इंजॉय करेंगे तो ऑसम फ्लेवर आपको इसका मिलेगा। और आज ईद का दिन है तो आप ज़रूर बनाइए सिंपल तरीके से अपने घर पे, इंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, इंजॉय कीजिए इन दिनों को अपने प्यारों के साथ इस मीठी सी स्वीट डिश को बना कर भी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।